हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं 6.5 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा आपको बोला गया है फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय। आपको प्रॉफिट फंक्शन दिया गया है, आपको बोला गया है मैक्सिमम प्रॉफिट आपका जो है वो आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन। अब यहाँ पे बेटा हमने क्या किया है, यहाँ पे पीछे क्वेश्चन में आपने क्या किया, आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी थी, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी। अब वैसे ही आपको फंक्शन दिया गया है, अब ये बोल दिया गया है यहाँ पे ये कंपनी का प्रॉफिट फंक्शन है, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है। तो मतलब आपको वही मैक्सिमम वैल्यू ही फाइंड करनी है, वही आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बेटा। आपको दिया गया है फंक्शन को नाम दिया गया है PX, PX इज इक्वल टू 41 माइनस 7 72x माइनस 18x स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, आपको आपका इसका डेरिवेटिव लेंगे आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे आप इसका, तो वो आ जाएगा 41 जीरो हो जाएगा माइनस 72। अब 41 में माइनस 72 क्या आ जाएगा, माइनस 72 हो जाएगा, फिर माइनस क्योंकि एक्स का क्या हो जाएगा 1, 18, 18 टू जा 36 एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। फिर आप पुट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो, तो फिर नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है इसके बाद माइनस 72 माइनस 36 एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब माइनस 36 एक्स इज इक्वल टू 72 तो जाके पॉजिटिव हो जाएगा, फिर आपके पास x इज इक्वल टू 72 बाय 36 और माइनस आ जाएगा, कैंसिल करेंगे आपका माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ गई x की वो क्या आ गई, माइनस 2 आ गई। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास यस एक्स स्क्वायर भी है, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस 2। ओके बेटा, क्लियर है, चलिए ये आ गया आपके पास। फिर आप नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास बेटा एक्स जो दिया गया है, एक्स बिलोंग कर रहा है आपके पास क्लोज्ड, सॉरी यहाँ पे कोई भी एक्स की वैल्यू नहीं दी गई, सॉरी बेटा यहाँ पे नहीं दी गई आपको एक्स की वैल्यू। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 आया है। अब बच्चे आपके पास एक्स की अभी एक की वैल्यू आई है, ठीक है, तो आप इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे। तो चलिए सेकेंड डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं आपको, तो वो आ जाएगा आपके पास, इसी से लेंगे आपको माइनस 36 आपके। ओके, क्योंकि हमारे पास एक्स की एक की वैल्यू है ना, तो हम एक वैल्यू पे फर्स्ट डेरिवेटिव पे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, सेकेंड डेरिवेटिव लेना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आपने सेकेंड डेरिवेटिव ले लिया। अब आपने यहाँ पे देखा, अब आप एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, अगर हम एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट भी करेंगे बट यहाँ पे वेरिएबल कोई नहीं है, तो इसलिए बेटा हम ऐसे ही इसको पता लगाएंगे। हमारे पास माइनस साइन दिया गया है, नेगेटिव साइन शोज कि हमारा फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है। क्या है, मैक्सिमम है। इस पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या होगा, एट एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर यहाँ पे रख लेते हैं माइनस 2, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल नहीं है, बट हम चेक किस पे कर रहे हैं, इस पे करते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 पे ही हम चेक कर रहे हैं हमारा फंक्शन क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है और नेगेटिव शोज मैक्सिमम, तो मैक्सिमम है हमारा फंक्शन इस पॉइंट पे। ठीक है, तो आप लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 फंक्शन इज मैक्सिमम। अब फंक्शन मैक्सिमम है तो यहाँ पे ये क्या देगा हमें, मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो फंक्शन इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट, तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है मैक्सिमम प्रॉफिट, तो आप लिखेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट इज, तो वो आप कहाँ पे डालेंगे, फंक्शन में वैल्यू डालेंगे माइनस 2 इज इक्वल टू 41 माइनस 72 माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा माइनस 18 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 41 माइनस प्लस 2 टू जा 4 7 टू जा 14 माइनस यहाँ पे 18 है 2 टू जा 4, तो ये आ जाएगा 41 प्लस
142 माइनस 8 4 जा 32 और ये 7 और यहाँ से 72 निकला तो आ जाएगा 72, तो ये आ जाएगा 113 यूनिट्स। तो इसको आप प्रॉफिट को शो करेंगे यूनिट्स में। मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे पास कितना आया इज 113 यूनिट्स। ओके, तो ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया एट पॉइंट कौन सा एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 पे। ओके बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है, फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑन द इंटरवल 0 एंड 3। आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है फंक्शन की। इंटरवल दिया गया है आपको 0 टू 3। ओके, मतलब आपका जो x है वो बिलोंग कर रहा है 0 और 3 के बीच में। क्लोज इंटरवल है मतलब 0 और 3 भी इंक्लूडेड है इसमें। ओके, तो आपको फंक्शन दिया गया है, प्लॉट कर लेते हैं। ये फंक्शन f(x) है आपके पास, 3x की 4 माइनस 8x क्यूब माइनस प्लस 12x स्क्वायर, फिर हमारे पास है माइनस 48x प्लस 25। ये फंक्शन आपको एक बार चेक कर लीजिए, 3x की 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 25, ठीक है। और x जो है आपका बिलोंग कर रहा है इंटरवल 0 टू 3 से। ओके, तो चलिए फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे आप। तो f डैश x आपके पास आ जाएगा 3 4 जा 12x क्यूब, 8 3 जा 24x स्क्वायर प्लस 12 2 जा 24x माइनस 48 और इसका 0, ठीक है। ये आ गया आपके पास सेकंड स्टेप बेटा, आप f डैश x को इक्वल टू क्या करते हैं 0, तो ये आ जाएगा 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48। अब हमारे पास इसको इक्वल टू 0 करेंगे। आप देख रहे हैं आप सारा का सारा टेबल जो है आपके पास, ये 12 से आपके पास ये मल्टीपल है, तो आप 12 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x क्यूब आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x आ जाएगा माइनस 4 आ जाएगा आपके पास। ओके, और यहाँ से अगेन आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास किस नंबर से x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, x माइनस 2 आ जाएगा, इस नंबर से 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास, अब यहाँ से आप क्या करें, 12 आ गया आपके पास और ये यहाँ से कॉमन ले लिया आपने, x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 2 रह गया आपके पास और इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे इसको, 12 इधर 0 के नीचे आके 0 हो गया, x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 2। अब ये देख रहे हैं आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2, x square is equal to minus 2, ये square का आपने इधर क्या कर दिया square। अब ये complex number हो गया आपके पास, तो आप क्या करेंगे, ये this not possible, ठीक है, ये not possible हो गया क्योंकि complex number है, तो यहाँ पे लिखेंगे x has no real root, ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो आपके पास x 2 है और x belong कर रहा था हमारे पास किससे, 0 3, उसी के बीच में 2 आ गया, x की वैल्यू आ गया आपके पास 0 2 एंड 3, ठीक है, तीन वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव नहीं लेंगे, इसी तीन वैल्यू पे हम क्या करेंगे फंक्शन में डाल के चेक करेंगे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ठीक है। तो चलिए आप लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 0, फंक्शन में वैल्यू डालेंगे हमारे पास है 3, 0 का 4 0 रहेगा, 8 का 0 0 रहेगा, प्लस 12 का 0 0 रहेगा, माइनस 48 0 का 0 रहेगा, प्लस 25, मतलब हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 25, ठीक है। ओके बेटा, चलिए अब आप एफ वैल्यू डालेंगे 2, तो 3 2 का 4 माइनस 8 2 का क्यूब प्लस 12 2 का स्क्वायर माइनस 48 2 और प्लस 25, इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48 माइनस 8 8 जा 64 प्लस 2 2 जा 4 48 माइनस 96 और प्लस 25, यहां से आप सॉल्व करें 96 है 48 48 96
अब ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, 64 और 20 तो माइनस 39 आ जाएगा आपके पास। ओके एफ हमारे पास 3 है। अब यहाँ पे 3 का 4 माइनस 8, 3 का क्यूब प्लस 12, 3 का स्क्वायर प्लस 48, 3 आ जाएगा प्लस 25। ठीक है, तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे बेटा इसको, 27 को अगर आप 3 से करेंगे, 7 3 21, तो 81 आ जाएगा। ठीक है, 81 को 3 से करेंगे, 3 8 3 24 243 माइनस, अब 3 3 9 3 27 27 और 8 7 56, 8 2 16 16 और ये 216 आ गया, प्लस 3 3 9 9 और 12 12 9 9 2 18 98 नहीं 12 2 108, क्या आएगा 12 9 108 प्लस 4 8 3 24 4 3 12 12 2 12 2 114 प्लस 25। ठीक है, ये आ गई हमारे पास वैल्यू, और यहाँ से अभी आप चेक करेंगे। चलिए यहाँ पे हमारे पास इसको आपने चेक करना है, 243 ये प्लस की वैल्यू है आपके पास, यहाँ से हमारे पास माइनस की वैल्यू कौन सी थी, यहाँ पे चेक करिए, 48 वाली माइनस की वैल्यू थी, तो यहाँ पे हमारे पास 48 और यहाँ पे 48 और 3 ये माइनस की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे आप माइनस लगाएंगे। ओके बेटा, 8 3 24 ये माइनस का हुआ आपके पास। ठीक है, अब ये प्लस का ये सारा आप करेंगे तो आपके पास कुछ वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 36। ओके बेटा, आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, कितनी आ जाएगी 16, क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी। ओके, आप सॉल्व करेंगे बेटा इसको, 16 आ जाएगी आपके पास। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे मैक्सिमम कहाँ पे है और मिनिमम कहाँ पे है, और बेटा यहाँ पे जब हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव में आप वैल्यू डालते हैं तब जो हमारे पास पॉजिटिव होगा, बड़ा वाला पॉजिटिव नंबर होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, और जो छोटा वाला नंबर होगा आपके पास सबसे छोटा नंबर वही आपका क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो हमारे पास बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 25, तो ये आपका क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू, इसको आप क्या लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू आएगी आपकी। ओके, अब मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, नेगेटिव आया ना यहाँ पे माइनस 30, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, मिनिमम। ओके बेटा, क्लियर है, ये फंक्शन हमारा मिनिमम कब होगा, एट पॉइंट 2, तो आप लिखेंगे सारा भी यहाँ पे, आप इसको नोट कर लीजिए ये वाला। ठीक है, आप लिखेंगे हमारे पास मिनिमम पॉइंट आपके पास क्या आया था, ये आया था टू, मिनिमम पॉइंट इज 2 एंड मिनिमम वैल्यू इज आपके पास -39। ओके, फिर आप लिखेंगे मैक्सिमम पॉइंट आपके पास आया था 0, वो लिखेंगे आप 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 25। ओके, आपको पॉइंट पूछा तो नहीं हुआ, बट इसी पॉइंट पे हमारी वैल्यू आती है, तो इसलिए हमने साथ में पॉइंट भी दे दिया। ओके बेटा, क्लियर है, चलिए, थैंक यू।